नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग टेक अपडेट चैनल में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट में चल रहे स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ओप्पो के K7X स्मार्टफोन के बारे में। ओप्पो का K सीरीज का स्मार्टफोन 4 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। वीवो के वेबसाइट पर इसका टीजर पेश किया गया है। ऑफिशियल टीजर से पता चलता है यह स्मार्टफोन 5G नेटवर्क का होने वाला है। कहा जा रहा है ओप्पो के 7X स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च किया गया था। ओप्पो के 7 जैसा ही हो सकता है, जिसमें आपको बैक में रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। ओप्पो के 7X को अभी फिलहाल चीन में ही लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मार्केट में इसे कब पेश किया जाएगा, इसकी अभी कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ खास डिटेल्स के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो के 7X 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा और ये चीन में डबल 11 सेल में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता देती हूँ, ये चीन में 11 नवंबर को लोकल शॉपिंग फेस्टिवल यानी सिंगल डे पर डबल 11 सेल के नाम से पेश किया जाएगा। ओप्पो के 7X में के डिजाइन के बारे में अभी पूरी जानकारी निकल कर हमने नहीं आई है। इस स्मार्टफोन में आपको बैक में स्क्वायर साइज में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हालांकि यह स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ नजर आ सकता है। साथ ही इस फोन में बैक में आपको ग्रेडियंट बैक फिनिशिंग दिया गया है। साथ ही इस फोन में बात करें ओप्पो के 70S7 के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ओप्पो के 7X में आपको डिस्प्ले 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। बात करें रैम की तो 12 GB इसमें आपको 6 GB और 8 GB की देखने को मिलेगी। और वहीं आपको ये स्टोरेज 64 GB, 128 GB और 256 GB के साथ पेश किया गया है। बात करें ओप्पो के 7X के कैमरे के बारे में, फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि स्क्वायर मॉड्यूल में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बाकी के दो कैमरे आपको 2 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं ओप्पो के 7X के बैटरी के बारे में, तो बैटरी इसमें आपको 4910 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती, बट इसमें आपको कितने फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा इसकी अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। आई होप आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।